फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी वन डे कंपटीशन पॉइंट। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर ऑल वन डे एग्जाम्स, जैसे कि आपका आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी या इस तरह के जो भी सीडीएस या जो भी वन डे एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें। आज आपको 20 नवंबर की सारी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। 19 नवंबर के करंट अफेयर्स आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो आइए देखते हैं हम आगे। आपको 19 नवंबर का जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर आपको करना था हमारे कमेंट सेक्शन में। ऐसे डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आप आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा कमेंट सेक्शन में जाना है, वीडियो देखनी है और उसमें आपको कमेंट करना है। तो कल का जो आंसर है वो है कॉलेजियन सिस्टम। आप इसका क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के क्वेश्चन पे जाते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपनी अभी भारत के टूरिस्ट पर चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भूटान, चीन और अमेरिका। इसका जो आंसर होगा वो आप खुद भी इसका आंसर कर सकते हैं। इसका बी ऑप्शन होगा भूटान। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस स्मारक पर पहली बार जालियांवाला बाग की प्रदर्शनी लगेगी। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, रेड फोर्ट, भारत कला भवन और इंडिया गेट। भारत के किस स्मारक पर पहली बार जालियांवाला बाग की प्रदर्शनी लगेगी, इसका आंसर होगा आपका वन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्टोसेट 3 प्रक्षेपण किस यान से किया जाएगा। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं PSLV-C-44, PSLV-C-45, PSLV-C-46 एंड PSLV-C-47। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका PSLV-C-47। इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में काला पानी नामक जगह को लेकर किस देश के साथ विवाद चल रहा है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं भूटान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। तो काला पानी जो जगह है वो एक्चुअली नेपाल और इंडिया के बीच चल रहा है, तो ये इसका ऑप्शन आपका होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्टिस बोबडे का कार्यकाल कब तक रहेगा। जस्टिस बोबडे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके 19 नवंबर के करंट अफेयर्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। और वही आपका आज कल के वीडियो में आपको दिखाया गया था कि उनका कितने महीनों का कार्यकाल होगा। अभी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनका कार्यकाल कब तक रहेगा। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2020, 2021, 2022, 2023। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोटाबाया राजपक्षा कौन से पार्टी से चुने गए। इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पिछले वीडियो में आपको दिए गए हैं, वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हो। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है पोदुजना पेरमुना, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल फ्रंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, गोटाबाया राजपक्षा पोदुजना पेरमुना पार्टी से चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन कंट्री टू सिस्टम कौन से देश से संचालित होता है। इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे वो हैं नेपाल, भूटान, मंगोलिया और हांगकांग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका हांगकांग। वन कंट्री टू सिस्टम से आपका हांगकांग जो है वो संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया गया है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ईरान, अमेरिका, जॉर्जिया और श्रीलंका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिवॉल्यूशनरी गार्ड किस देश की मिलिट्री है।
इसके जो ऑप्शंस हैं वो है इराक, ईरान, सऊदी अरब और लास्ट ऑप्शन है आपका ओमान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ईरान। ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड रखा गया है, वहाँ की जो मिलिट्री है वो उसे हम रिवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, शाहीन वन मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? ओके, शाहीन वन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और लास्ट ऑप्शन है ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पाकिस्तान। शाहीन वन मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला रोबोट रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है मुंबई, चेन्नई, उड़ीसा एंड बिहार। तो इसका जो आंसर है वो है आपका उड़ीसा। रोबोट रेस्टोरेंट उड़ीसा में खोला गया है। नेक्स्ट आपका है, एक टेस्ट मैच सीरीज में 3 शतक मारने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी एंड चेतेश्वर पुजारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NSG के महानिदेशक कौन बने हैं? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं अनूप कुमार सिंह, जीसी मुर्मू, सत्यपाल मलिक एंड राधा कृष्णन माथुर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए, अनूप कुमार सिंह जो हैं वो NSG के महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में करना है। तो आज के लिए आपका जो सवाल है वो ये है कि गोवा के गवर्नर का क्या नाम है, इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इससे कनेक्टेड रहें। ये आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होंगे उन सबके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।